सो हे गाइज, यूट्यूब पर व्यूज कैसे बढ़ाएं गाइज? यदि आपकी वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहे हैं तो बने रहिए इस वीडियो पर लास्ट तक गाइज। यहाँ पर कमाल की सेटिंग बताने वाला हूँ गाइज। यदि ये सेटिंग आप अपने चैनल पर अप्लाई कर लेते तो डेफिनेटली आपकी वीडियो पर व्यूज आने लगेंगे, आपकी वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज इंक्रीज होने लगेंगे। सो गाइज, आ जाना है आपको अपने YT स्टूडियो। गाइज YT स्टूडियो आप सभी यूज करते, लेकिन YT स्टूडियो को सही से यूज करने का तरीका क्या है कि जिससे आपकी वीडियो पर व्यूज आए? तो गाइज जान लीजिए सही तरीका क्या है, सही डायरेक्शन पर आप YT स्टूडियो पर काम कैसे करेंगे गाइज, ताकि आपकी वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज आ सके, आपके चैनल पर अच्छे खासे व्यूज आ सके। तो आपका अपने चैनल को लॉगिन कर लेना है, देख सकते हैं जैसे मैंने ही लॉगिन कर रखा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं मेरा कितना छोटा चैनल, यहाँ पर देख सकते हैं अभी यहाँ पर 93 सब्सक्राइबर है, 9300 सब्सक्राइबर है प्लस। अब यहाँ पर देख सकते हैं इतने कम सब्सक्राइबर हैं, फिर भी मेरे एक्टिव सब्सक्राइबर नहीं। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान देना, एक्टिव सब्सक्राइबर नहीं, फिर भी यहाँ पर जो मेरे वीडियो पर व्यूज आ रहे हैं, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सर्च से व्यूज आ रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर एनालिस्ट पर आना है गाइस। जैसे ही एनालिस्ट पर आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं 70,000 प्लस, यहाँ पर मात्र 9,000 सब्सक्राइबर पर 70,000 प्लस व्यूज आ रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट कितने 48 आवर्स पर यहाँ पर। तो काफ़ी कमाल की बात है ना कि कितने कम सब्सक्राइबर पर इतने अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं, और ज़्यादातर व्यूज जो आ रहे हैं सिर्फ सर्च से आ रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको एनालिस्ट पर आकर मैं दिखाता हूँ एक वीडियो पर। यहाँ पर देख सकते हैं कितने सर्च टॉपिक, यहाँ पर देख सकते हैं यूट्यूब सर्च 48 घंटे में यहाँ पर 30,000 व्यूज प्लस आ रहे हैं केवल सर्च से, और अदर फीचर से आप देख सकते हैं। तो गाइज, आपको यदि आपका चैनल न्यू है और आपके पास एडियंस बिल्कुल नहीं है, तो गाइज आपको सर्चेबल कंटेंट बनाना है। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है गाइज। जैसे मैं बना रहा हूँ, मेरे चैनल पर व्यूज उतने सब्सक्राइबर नहीं है, फिर भी मैं सिर्फ सर्चेबल टॉपिक पर काम कर रहा हूँ, ताकि सर्च से मेरे वीडियो पर व्यूज आए। और गाइज सर्च से जो व्यूज आते हैं वो लाइफ टाइम तक आते हैं गाइज, थोड़ा घटते बढ़ते रहते हैं पर वहाँ पर वीडियो पर व्यूज आते रहते हैं। तो देख सकते हैं व्यूज कितने आए हैं, यहाँ पर सिर्फ 9,000 सब्सक्राइबर पर यहाँ पर 9 लाख प्लस व्यूज हो चुके हैं सिर्फ एक महीने में। और वॉच टाइम की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 16,000 प्लस गाइजे, न्यू यूट्यूबर के लिए काफ़ी यहाँ पर बड़ी बात है। यहाँ पर इतना मतलब सब कुछ करना एक मंथ में इतना मतलब वो नहीं है, बहुत मतलब परेशानी होती है। तो गाइज आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बस आप सही डायरेक्शन से काम करें तभी आपकी वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज इंक्रीज हो जाएंगे। आप यहाँ पर एस्टिमेट रेवेन्यू देख सकते हैं, यहाँ पर कोई नहीं दिखाता बट यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ एस्टिमेट रेवेन्यू 349, यहाँ पर मान लीजिए कि 350 रुपये यहाँ पर लास्ट 28 दिन के हो चुके हैं रेवेन्यू मतलब डॉलर। अब यहाँ पर सब्सक्राइबर की बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ एक 28 दिन में यहाँ पर 2100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अब गाइज यहाँ पर देख सकते हैं, अब जितने भी मतलब जिस टाइप की मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो सिंपली सी आ जाना है आपको। सिर्फ इस बात को आपको विशेष ध्यान देना है, आपकी वीडियो की कैटेगरी सिर्फ जिस कैटेगरी पर आप काम करते हैं सिर्फ उसी कैटेगरी पर आपको वीडियो अपलोड करनी है, इधर उधर कैटेगरी पर वीडियो अपलोड नहीं करनी। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं मिक्सिंग वीडियो अपलोड करता हूँ, यहाँ पर फिर भी मेरे वीडियो पर अच्छे खासी व्यूज देखने को मिल जाते हैं। तो गाइज आपको इस बात को विशेष ध्यान देना है, आपको सिर्फ एक टाइप की वीडियो अपलोड करना, जिस कैटेगरी को आपने चुन लिया सिर्फ उसी कैटेगरी पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। यदि आप अदर वीडियो अपलोड करना चाहते हैं तो आपको वीडियो को मतलब रैंक कराना होगा, उसके लिए आपको वीडियो का एसईओ करना अच्छे तरीके से आना चाहिए। अब गाइज बात करते हैं, यहाँ पर कुछ समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं अदर वीडियो अपलोड करता हूँ तो इनके हिसाब से यहाँ पर व्यूज बहुत कम आते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर जैसे यूट्यूब टेक टिप्स से अच्छा खासी वीडियो अपलोड करता हूँ और लॉन्ग वीडियो है, फिर भी इसमें व्यूज नहीं आया गाइज। हो सकता है कल व्यूज इसमें आए, यहाँ पर 2-4 दिन, यहाँ पर 1-2 महीने के बाद ये वीडियो रैंक करे, क्योंकि वीडियो रैंक करती है, किसी वीडियो को सालों सालों साल लग जाते हैं यूट्यूब पर रैंक करने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं काफ़ी सारी टेक से रिलेटेड, व्हाट्सएप से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, और यहाँ पर जो मैं सेफ सर्च से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, तो कोई भी वीडियो जैसी भी है तैसी भी वीडियो अपलोड कर देता हूँ और फिर भी मेरे वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज देखने को मिल जाते हैं। देख सकते हैं सेफ सर्च सेफ सर्च सेफ सर्च से रिलेटेड यहाँ पर जितनी भी वीडियो हैं अच्छे खासे व्यूज देखने को मिलेगा, वीडियो में से भी अच्छे खासे व्यूज देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं
सिर्फ 1 महीने हुए यहाँ पर वीडियो अपलोड की हुई, यहाँ पर 3.5 लाख प्लस व्यूज आ चुके, यहाँ पर 61,000 व्यूज आ चुके, यहाँ पर 12,000 यहाँ पर देख सकते हैं सेफ सर्च में, काफ़ी सारे 6,000 प्लस हैं, यहाँ पर 2,800 प्लस हैं, 1,400 प्लस हैं, यहाँ पर विडमेट पर भी हैं, यहाँ पर देख सकते हैं हाउ टू, तो काफ़ी सारे व्यूज अच्छे खासे हैं। तो गाइज आपको अपनी कैटेगरी को विशेष ध्यान देना है, जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो बनाते हैं तो सिंपली से उसी टॉपिक पर ध्यान देना है गाइज, और आपको अपनी वीडियो का एसईओ सही से करना है गाइज, तभी आपकी वीडियो सर्च पर जाएगी और आपकी वीडियो पर लाइफ टाइम तक व्यूज आएगा। अब गाइज बात करते हैं यहाँ पर कुछ डैशबोर्ड पर आ जाते हैं, डैशबोर्ड पर आने के बाद यहाँ पर आपको देखने को कुछ इस टाइप से मिलता है, यहाँ पर एनालिस पर आकर अब देख सकते हैं यहाँ पर कंटेंट, यहाँ पर आइडियंस आपकी देखने को मिलते हैं गाइज, कितने वीडियो मतलब कितने न्यू व्यूवर्स आए, कितने ओल्ड व्यूवर्स आए, यहाँ पर से आपको देखने को सारा कुछ मिल जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो रिटर्निंग व्यूवर्स गए, जो वीडियो देख कर गए हैं, छोड़ कर गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 43,000 यहाँ पर प्लस है। तो गाइज आपको ध्यान देना कि आप अपनी वीडियो पर क्या गलती कर रहे हैं, क्या चीज़ गलती कर रहे हैं जिसके कारण जो आपकी ऑडियंस है तो आपकी वीडियो को छोड़ कर जा रही है गाइज। तो बात कर लेते हैं इतने मतलब अब यहाँ पर न्यू पर आए तो यहाँ पर देख सकते हैं जो न्यू व्यूवर्स आए हैं यहाँ पर 4,88,000 प्लस, तो इसके मुताबिक देखने से यहाँ पर ये कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, बट यहाँ पर आपको अपने कंटेंट को विशेष रूप से फोकस करना है, आपको अपने ऑडियंस को पकड़ कर रखना कि आपकी ऑडियंस कभी कहीं इधर उधर ना जाए आपकी वीडियो को छोड़कर, कम से कम आपकी वीडियो को 50% वो देखेगा। यदि आपकी वीडियो को यूट्यूब पर 40% कोई देख रहा है तो आपकी वीडियो को वायरल होने के 100% चांस है गाइज, इस बात को आपको विशेष रूप ध्यान देना है। कम से कम कोशिश आपको करना है कि आपकी ऑडियंस को अपने लास्ट तक बनाए रखना है गाइज। अब बात करते हैं यहाँ पर वॉच टाइम, सारा कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, सब्सक्राइबर देखने को मिल जाएगा, एक टाइम यहाँ पर 1 मंथ में मैंने कितने सब्सक्राइबर कितने गेन किए, यहाँ पर यूनिक व्यूवर्स देख सकते हैं, यहाँ पर जो वीडियो को देखते हैं गाइज, सब्सक्राइबर देख सकते हैं, एड रिवेन्यू देख सकते हैं, आरपीएम देख सकते हैं, सीपीएम, यहाँ पर सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा गाइज। तो इस टाइप को अब बात करते हैं जैसे कि यूट्यूब कैसे चाहता है, मान लीजिए आपने 50-60 वीडियो अपलोड कर दी, 40 वीडियो अपलोड कर दी, किसी वीडियो पर 50 व्यूज, किसी की वीडियो पर 30 व्यूज आया और किसी के वीडियो पर 500 व्यूज आ गया, यानी किसी वीडियो पर, तो आपको ये मान लीजिए आपको ये विशेष रूप से ध्यान देना, जिस वीडियो पर अधिक से अधिक व्यूज आया हो तो सिर्फ उसी टॉपिक के वीडियो आपको सिलेक्ट कर लेना, उसी टॉपिक पर आपको वीडियो बनाते जाना है, ये है वीडियो वायरल कराने का विशेष फंडा गाइज। यदि इस टाइप से आप अपनी वीडियो को अपलोड करोगे, इस टाइप के चैनल पर मतलब वीडियो डालोगे तो आपकी वीडियो पर 100% व्यूज इंक्रीज होंगे गाइज, फिर आपकी वीडियो को वायरल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और गाइज आपको वीडियो की यदि आप न्यू चैनल बनाए तो आपकी वीडियो को वायरल कराने का, आपकी वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा रीच बढ़ाने का मतलब CTR बढ़ाने का, आपको सिंपली से एक काम करना है, यदि आप न्यू चैनल बनाए तो आपको 8-10 ईमेल आईडी क्रिएट कर लेना है, और गाइज जिस ईमेल आईडी से आपका चैनल बना है उसे छोड़कर आपको अदर ईमेल आईडी से अपने चैनल को मतलब अपनी वीडियो को देखना है, फुल फुल वॉच करना है गाइज, तभी आपकी वीडियो को CTR हाई होगा, इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट बढ़ेगा और आपकी वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज भी आना शुरू होगा। और गाइज आपको थंबनेल टॉपर बनाना चाहिए गाइज, आपको अपने थंबनेल को इतना अट्रैक्टिव बनाना चाहिए, इतना क्लिक बेट बनाना चाहिए कि हर कोई आपके थंबनेल पर मतलब क्लिक करे, जब क्लिक करेगा थोड़ा बड़ा तो आपकी वीडियो को देखेगा, यदि आपके वीडियो पर दम है तो आपकी वीडियो पर व्यूज आने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो गाइज इस टाइप से आप अपने वीडियो पर व्यूज ला सकते हैं गाइज, यदि आपका न्यू चैनल है, जिसके पास ज़्यादा ऑडियंस होती है तो वो कुछ भी थंबनेल बनाकर डाल दिया, किसी टॉपिक पर वीडियो डाल दिया, फिर भी उनके वीडियो पर व्यूज अच्छे खासे आ जाते हैं। यदि आपके पास ऑडियंस नहीं है तो जो मैंने बताया उस ट्रिक को आप जरूर आजमाना, तभी आपकी वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज देखने को मिलेंगे। सो गाइज वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में नाइस टिक नाइस वीडियो जरूर लिखना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पर।